हाँ तो दोस्तों, मैंने पहले भी एक जमीन नापने के ऊपर से वीडियो बनाई थी मेरे पहले वाले यूट्यूब चैनल के ऊपर, बट उसने बहुत ही अच्छी रैंक भी की थी, बहुत ही ज्यादा व्यूज भी आए थे उस वीडियो के ऊपर। लेकिन उसमें कई लोगों ने कमेंट्स किए थे कि चलकर जमीन कैसे नापते हैं, मतलब कि कदम से चलकर जमीन कैसे नापते हैं। तो लेकिन मेरा वो चैनल बंद हो गया था, उसका एडसेंस डिसेबल हो गया था, तो मैं उस पर वीडियो नहीं बना पाया था। लेकिन आज उसी के बारे में मैं आपको वीडियो बनाकर बताने वाला हूँ कि कैसे हम जमीन को चलकर नाप सकते सकते हैं अपने मोबाइल से। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आकाश मीणा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेकेटेक। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो वीडियो कैसा लगा है, या फिर ये काम आखिरी में कर लेना, बट अभी वीडियो को देख लीजिए पूरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है, और प्ले स्टोर में जाने के बाद से वहाँ पर से टाइप करना है, मतलब सर्च बॉक्स जो है उसमें टाइप कर लेना है फील्ड एरिया मीजर फ्री। तो चलिए, मैंने टाइप कर लिया फील्ड एरिया मीजर फ्री। तो यहाँ पर सर ये जो एप्लीकेशन खुलकर आ गया है, और ये है 1 मिलियन इसकी डाउनलोडिंग है, अच्छी रेटिंग है, तो इसको आप डाउनलोड कर लेना। मैं पहले से ही इसको डाउनलोड करके रखा, तो इसलिए ऑप्शन आ रहा है ओपन का, लेकिन अब मैं ओपन इसको यहाँ से करने वाला हूँ। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। तो अब ये फील्ड एरिया मीजर फ्री जो एप्लीकेशन है, इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर से ओपन। ओपन करने के बाद में इसमें जो हमारी लोकेशन है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। आपके सामने भी इसका ऐसा ही इंटरफेस खुलेगा। इसमें जो नीचे एड होना आ रहे हैं, एड्स पर क्लिक नहीं करना है हमें। एड्स पर क्लिक करेंगे तो दूसरा कुछ इंटरफेस और कुछ खुल जाएगा। तो इसके बाद में अब ये जो ये लोकेशन दिख रही है ना, लोकेशन को क्लिक करेंगे, ऊपर ये जो लोकेशन का आइकन दिख रहा है, तो अब ये मेरी सही बिल्कुल एक्यूरेट लोकेशन पर है। तो इसके बाद में लोकेशन एक्यूरेट होने के बाद में, अब पहले आपको एक सेटिंग बता देता हूँ, वो सेटिंग कर लेना। ये जो ऊपर 3 लाइंस दिख रही है, लाइंस को क्लिक कर लेना, और ये जो सेटिंग दिख रही है एप्लीकेशन की, इसमें जाना और एरिया यूनिट्स, यहाँ पर सर आपको जो भी आपके लिए सही लगे। जैसे अब ये ए लिखा है, तो ए का मतलब होता है एकड़, और एच ए मतलब हेक्टेयर, और बाकी ये सब है इसमें से देख लेना, आपको जो कम्फर्टेबल लगे वो कर लेना। अब इसके बाद में यहाँ पर से, और अब मैं मेरे खेत में जाने वाला हूँ और खेत में से रिकॉर्ड करने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले बता दूँ कि कैसे करना है रिकॉर्ड। तो ये जो प्लस आइकन को क्लिक कर लेना है, इसके बाद में जो एरिया दिख रहा है, एरिया को क्लिक कर लेना है। डिस्टेंस का मतलब होता है लंबाई नापना, लेकिन एरिया का मतलब होता है कि ज़मीन नापना, मतलब कि कोई भी 4 फुटी ज़मीन। इसके बाद में मैनुअल मीजरिंग, इसका मतलब होता है यहीं पर से बैठे बैठे ज़मीन नापी जा सकती है। और GPS मीजरिंग का मतलब होता है चलकर ज़मीन नापी जा सकती है, मतलब GPS से लोकेशन से। तो GPS मीजरिंग को हम यहाँ से क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर सर ये जो स्टार्ट मीजरिंग है, इसको क्लिक कर लेंगे हम। तो चलिए मैं खेत में जाता हूँ और स्टार्ट मीजरिंग को क्लिक करता हूँ। हाँ तो दोस्तों, यहाँ पर सर ये जो स्टार्ट मीजरिंग है, इसको क्लिक कर लेंगे। अब ये रिकॉर्ड हो रही है। अब मैं यहाँ पर सर आगे बढ़ता हूँ, और मेरे को जितनी भी ज़मीन नापनी है उतनी ज़मीन में घूम लेता हूँ। आपको भी अपनी जितनी ज़मीन नापनी है उतनी ज़मीन में आप यहाँ पर से और चल सकते हैं। चलने के बाद में आपकी पूरी जो लोकेशन है वो इसमें ट्रेस हो रही है, पूरी लिखा रही है, और फिर लास्ट में जब हम क्लिक करेंगे तब आपको बता देगा कि ये कितनी ज़मीन है। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से धीरे धीरे चलने के बाद में। और अब ऊपर ये जो डिस्टेंस लिखा रही है, मतलब जब हम चल रहे हैं ना, ये पीछे तो ये लाइन बन रही है लाल वाली यहाँ पर से, और हम निकल के गए ये वाली लाइन बन रही है, लेकिन ऊपर ये जो जैसे मीटर लिखा रहे हैं, ये 36 मीटर हो गए, अब 37 मीटर, 39 मीटर ऐसे लिखा रहे हैं। तो अब पूरा चलने के बाद में, और फिर हम देखेंगे क्या होता है। अब यहाँ पर से और थोड़ा टर्न ले लेते हैं। टर्न लेने के बाद में और लास्ट में जहाँ पर से और स्टार्ट किया है, हाँ दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है कि आपने जहाँ पर से और स्टार्ट किया है वहीं पर आपको जाकर एंड करना है। अगर आप कहीं से बीच में से एंड कर देते हो तो वो लाइन थोड़ी गड़बड़ जाएगी, और ये जो लाल लाइन जो बन रही है ना, इसी के हिसाब से आपकी ज़मीन नापी जाएगी। तो इसलिए बिल्कुल एक्यूरेट चलना होगा आपको, बिल्कुल सही सही आपके जो भी खेत की जो आपकी आपका खेत है उसकी जो बाउंड्री है उस पर चलना होगा आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पर से और थोड़ा सा टर्न और ले लेते हैं। अब इधर ऊपर आ जाते हैं, इसके बाद में फिर लास्ट में बताऊंगा आपको कि क्या करना है। लास्ट में स्टॉप मीजरिंग करना है, और सेव करने के बारे में, शेयर करने के बारे में सब कुछ बताऊंगा मैं आपको इसी वीडियो में। प्लीज़ दोस्तों, अगर वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा देना, काले बटन को नीला कर देना, और लाल जो सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उसको दबा कर काला कर देना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको कुछ भी समस्या आ रही है इस एप्लीकेशन को चलाने में, या फिर आपसे चलाते नहीं आ रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसी समय आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं।
इस वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो को पूरा स्टार्ट से एंड तक जरूर देखेगा। तो ठीक है, हम अब पूछने ही वाले हैं। बिल्कुल हमारे हमारे जो है वहाँ पर, हमारे जो स्टार्टिंग जो है वहाँ पर, हाँ सो गाइस, बस हमारे पॉइंट पर पहुँचने ही वाले हैं, जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पर पहुँचने ही वाले हैं। वहीं पर बिल्कुल सेंटर पे, वहीं पर जाने के बाद में ही बंद करना है। तो चलिए अब हम पहुँच गए। तो अब ये जो स्टॉप मेजरिंग जो लिखा हुआ है, स्टॉप मेजरिंग को क्लिक कर देते हैं अब यहाँ पर से, और साइड में जो डन लिखा हुआ है डन को क्लिक कर लेंगे। तो अब इस डन को क्लिक कर लेंगे तो हमारे सामने ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा। तो चलिए इस डन को क्लिक कर लेते हैं। और ऊपर ये जो लिखा हुआ आ गया 0.266 हेक्टेयर, मतलब कि इतनी हमारी ये ज़मीन है। हाँ तो दोस्तों, ये हमारे सामने लिखा हुआ आ गया है कि 0.226 हेक्टेयर, मतलब कि 0.226 हेक्टेयर है। अब हमें इसको एकड़ में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर से और कैलकुलेटिंग करेंगे तो यहाँ पर से, और कई लोगों का कहना है कि 2.5 एकड़ का 1 हेक्टेयर बनता है। तो हम यहाँ पर से लिखेंगे 2.50, मतलब कि 2.5। इसके बाद में सॉरी, यहाँ पर से लिखेंगे 0.226 और यहाँ पर से और उसका गुणित कर देंगे 2.50 में। तो अब 0.565, तो 0.565 ये डिसमिल, मतलब कि आधी एकड़ के बराबर है। ये इतनी ज़मीन जो है ये आधी एकड़ के बराबर है, आधी एकड़ से कुछ ज़्यादा है। तो दोस्तों ऐसे निकलता है। अगर आपको अब यहाँ पर से और इसको सेव करना है तो सेव, ये जो ऊपर कट के साइड में जो यहाँ पर से इसको डिलीट करना है तो ये कट को कर देना, लेकिन अगर सेव करना है तो ये सेव कर दीजिए। यहाँ पर से कुछ भी लिख दीजिए, जैसे मेरा नाम लिख देता हूँ और ये ऊपर सेव कर देता हूँ। अब ये सेव करी हुई हमें मिल जाएगी यहाँ पर, ये थ्री लाइन पर क्लिक करके, और ये सेव्ड मेजर्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से हमें मिल जाएगी। दोस्तों ऐसे हम अपने मोबाइल से ज़मीन नाप सकते हैं बिना पटवारी के, बहुत ही। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपका कोई सुझाव है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।